यूपी में सपा मुखिया अखिलेश यादव के करीबियों पर आयकर विभाग की छापेमारी पर आरसीएल के मालिक मनोज यादव ने कहा कि पूरे हिंदुस्तान में लोग जानते हैं कि क्यों और कैसे होता है, हमसे बेहतर पब्लिक समझती है, मुझे ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि यह सरकारी प्रक्रिया है लेकिन एक तरफा हो रही है, वो अलग बात है, हमने कोई चोरी डकैती नहीं की है। आजकल पूरा हिंदुस्तान में सभी लोग जानते हैं क्यों होता है कैसे होता है। तो ये आप स्वीकार कर रहे हैं कि ये सत्ता पक्ष के जो लोग हैं अक्सर करके जिनकी सत्ता होती है वो इस तरीके से कार्रवाइयाँ करवाते हैं लोगों को दबाते हैं। हमसे बेहतर पब्लिक आज समझ चुकी है सभी बातें कि कैसे कहाँ क्या हो रहा है और इसमें हमें ज्यादा बोलने की कोई खास जरूरत नहीं। कई और लोगों के खिलाफ जो आज जांच हो रही है उन लोगों की तबीयत भी खराब हुई और मामले बढ़ भी गए, लोग प्रदर्शन भी कर रहे हैं अपने समर्थक आपके से समर्थक हैं वो लोग समर्थन में अपने लोगों के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं हंगामे कर रहे हैं। नहीं हम तो कहेंगे ये सरकारी प्रक्रिया है क्योंकि एक तरफा हो रही है वो अलग बात है लेकिन ऐसी कुछ करने की जरूरत नहीं है, आराम से सभी लोग रहें और जो चीज़ें हैं वहाँ पर कोई ऐसी कोई चोरी डकैती नहीं की गई है जो कि ऐसा कुछ हुआ है, इस जो प्रक्रिया करवा रहे हैं लोगों ने करवाने लोग उनको।